एक अजीब बात फरमाई कि मौत पहले जिंदगी बाद में, हालांकि तरतीब क्या होनी चाहिए, जिंदगी पहले होनी चाहिए मौत बाद में होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ मौत पहले जिंदगी बाद में। यहाँ फलसफा ये बताया जा रहा है कि जिंदगी से मौत को नहीं समझ सकते, मौत से जिंदगी को समझो। यहाँ ये बताया जा रहा है कि जिंदगी से मौत को नहीं समझ सकते, मौत से जिंदगी को समझो। मसलन आदमी मर गया, आदमी मर गया तो जो बाद में आई थी वो पहले निकल गई। बाद में क्या आया था? रूह। आखिर में रूह दाखिल की जाती है, जैसे तुम खलकना नुतफा अलक़तन फखलकना अलक़तन मुज़ग़तन फखलकना मुज़ग़ता इज़ामन फकसवना इज़ामल लहमा थुम्मा अंशअना खलक़ना आख़र। नुतफा जमा हुआ खून बन जाता है, जमा हुआ खून लोथड़ा बन जाता है, लोथड़ा हड्डी बन जाता है, हड्डी के ऊपर हम चमड़े का लिबास पहना देते हैं, फिर पूरा इंसान बन चुकता है तो रूह फूंक देते हैं। देखिए जिंदगी बनने की तरतीब में रूह का नंबर कब है? बिल्कुल आखिर में है, लास्ट में है, और मौत में पहले। तो आदमी मर गया तो जो चीज पहले आखिर में आई थी वो पहले निकल गई। अच्छा उसके बाद उसका बदन अकड़ने लगता है, इसी वजह से कहते हैं आंखें बंद कर दो, नहीं तो आंखें खुली रही तो उसकी जो नसीचे होती हैं वो सब टाइट हो जाती हैं, टिश्यूज टाइट हो जाते हैं, फिर आंखें बंद करेंगे तो बंद नहीं होगा, हाथ जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रह जाएगा, तो हाथ को भी सही पोजीशन में कर दो, आंखें बंद कर दो वरना आंखें खुली रहेंगी, इसलिए कि जब रूह निकलती है तो आंखें रूह का ताकुब करती है, इसका मतलब आंख रूह को देखती है वो जा रही है, यानी मरने से पहले रूह को नहीं देख सकते, लेकिन जब रूह निकलती है तो आखिर आखिर में मौत के वक्त आदमी रूह को देख लेता है जी। तो उसके बाद टाइट हो गया, यह है सलसालिन कल फखार, टाइट हो गया एकदम पकी हुई ठीक मिट्टी। अच्छा और उसके बाद ऐसे पड़े रहने दो, तो अब उसके ऊपर एक अमल शुरू होगा कि वो गलने लगेगा, यह है हमई मसनून, हमई मसनून सड़ा हुआ गारा। अब उसको ऐसे सड़े हुए गारे को रहने दो, धूप पड़ती है धीरे 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 मिट्टी बन जाता है, सूख जाता है, और सूखने के बाद पीने के बाद थोड़ा गीला रहता है, उसके बाद तोरा बन जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तरतीब रखी है, बिल्कुल आदमी को अगर समझना है जिंदगी को तो मौत से समझे, मौत से जिंदगी को समझा जाएगा, जिंदगी से आदमी मौत को नहीं समझ सकता, इस वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ मौत को मुकद्दम फरमाया है हयात के ऊपर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला,